मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। जी नमस्कार, कैसे हैं? बस नमस्कार, बहुत ही ठीक ठाक चल रहा है। क्या अभी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, क्या कौन सा ही नाटक कर रहा है, बता दीजिए। चक्की की बात नहीं है, जब क्या होता है कि अच्छी फिल्में बनती हैं, अच्छे से रिलीज हो रही है, तो चेहरे पे थोड़ी रौनक हो जाती है। ठीक है, आपका उम्र जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे रौनक बढ़ते जाता है, हम लोग घटते रहता है। नहीं तो हम एक एग्जॉस्ट नहीं करते ना, आप लोग बहुत भाग दौड़ करते हैं। भाभी रात में याद तो नहीं करते आपको ऊपर से? अब उनकी तो कृपा है, जरूर ऊपर से ही जो भी है उनका आशीर्वाद है, सब कुछ है, तभी तो सब ठीक चल रहा है। चलिए हम चलते हैं काजल पे। जी, आंखों के काजल जो उसमें एक फिल्म आई काजल। हाँ, क्या चल रहा है बताएंगे? काजल जो फिल्म है, एक खुशी की बात है कि उसके गाने अभी बहुत पॉपुलर हो गए हैं। और जैसे शुरू में जब स्क्रिप्ट लिखी गई थी और फिल्म मैंने जब साइन की थी, तो मुहूर्त के समय पे इसके स्क्रीन प्ले डायलॉग बड़े पॉपुलर थे। मतलब लोगों को लगा कि कोई हट के कोई डिफरेंट फिल्म बनने जा रही है। और आज स्थिति यह है कि फिल्म बन गई है और उसके गाने भी बहुत हिट हो गए हैं। अम्रपाली जी के गाने जो हैं वो तो 5.5 मिलियन से ऊपर गया, और इनकी भी 1.5 मिलियन चली गई काजल राघवानी जी की, और बाकी सारे गाने एक के बाद एक अच्छा चल रहा है। बोकारो से खबर आई है कि आइसक्रीम वाले जो हैं सो आइसक्रीम बेच रहे हैं ये गाना बजा बजा के काजल के, और काजल के गाने जो हैं सो बिहार में और झारखंड में शादियों में बजाई जा रही है, वहाँ के लौंडा वगैरह उस पर डांस कर रहे हैं, तो ये एक खुशी की बात है। और फिल्म में कौन कौन से कलाकार हैं? अब जो है सो काजल के ये है कि काजल फिल्म बनने में बहुत अच्छी बात ये रही कि हमारे निर्माता काफ़ी साथ देते रहे आदिल साहब, और उनको जो जो रिक्वायरमेंट दिया गया तो बड़े प्यार से वो सारे रिक्वायरमेंट पूरे किए, और यही कारण है कि मैं भी अपना 100% उसमें एग्जर्ट कर सका। तो कुल मिला के ये आज अच्छी फिल्म बन गई है काजल। काजल में काजल यादव है, काजल लगवानी है, और कौन कौन से कलाकार हैं? काजल यादव, आदित्य मोहन है, आदित्य मोहन पहले भी हमारे साथ फिल्म किए हैं, कई फिल्में विजयनी, वो मोहब्बत के सौगात वगैरह, तो काफ़ी अच्छे एक्टर तो हैं ही वो। और काजल भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट, खास करके इसमें तो बहुत ही एग्जर्ट की है, उसने भी अपना 100% दिया है, बहुत अच्छा रोल की है, और स्क्रिप्ट से इतना कंसर्स थी कि आप सेट पे जाते तो हमेशा वो चुपचाप कहीं कोने में बुदबुदाती मिलती, मतलब कि वो डायलॉग्स को काफ़ी ये कर रही थी, याद कर रही थी। आज मुझे याद है आपकी जो काजल राघवानी गाना शूट कर रहे थे, काजल राघवानी काफ़ी टाइम लगाते थे आने में, काफ़ी सब भी इंतजार कर रहे थे मीडिया वाले, कैसा लगा उनके साथ काम करके? आपने तो फिल्म ऑलरेडी हीरो ने जरिए बना चुके हैं। देखिए काजल की फैक्ट पूछिए तो काजल राघवानी जी की फिल्म जो है वो पहली इंडिपेंडेंट तो शायद मेरी रही होगी, मेरी या पहली या दूसरी, शायद सुगना या मेरी फिल्म जो भी हो आगे पीछे रहा हो, तो बहुत शुरुआत के दिनों में भी मेरे साथ काम की थी, और तभी मैंने कहा था कि तुम बहुत आगे जाओगी, क्योंकि बड़ा डिवोटेड और बड़ा नेचुरल एक्टिंग किया करती थी, वो बस स्ट्रेन नहीं लेती थी। जैसे हिंदी में श्रीदेवी जब डांस करती थी तो कोई स्ट्रेन नहीं दिखता था, लगता था डॉल जो है सो ऐसे ही झूल रहा है। तो इन दैट वे काजल बहुत सहज एक्ट्रेस थी, और आज खुशी की बात है कि वो आज इतने आगे बढ़ गई है, अभी तो वन ऑफ द स्टार में आती है वो काजल राघवानी। तो इसमें गाने में थोड़ा देर सवेर की जहाँ तक बात है, तो होता क्या है कि जब आदमी स्टार होता है तो उसको विशेष तैयारी भी करनी पड़ती है, अपने आप को विशेष ढंग से सजाना भी पड़ता है लोगों के बीच आने से पहले। तो कभी कभी और लोग थोड़ा नाराज़ हो जाते थे कि उनको लेट हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं शुरू से स्टारों के साथ भी काम कर किया हुआ हूँ, और हमारे साथ किए हुए कई लोग स्टार हो गए हैं। तो ये स्टार का जो लोग टेंट्रम बोलते हैं वो टेंट्रम ना होता है, उनकी अपनी मजबूरी भी होती है। और अम्रपाली के बारे में क्या कमेंट करता? अम्रपाली के बारे में तो मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं पहली बार एक बार सेट पे गया जब साइन करने गया था, उस समय बातचीत हुई थी, तो मुझे देख के बड़ा अजीब लगा, क्योंकि बड़ा वो बिंदास टाइप की अलग मतलब बड़े कॉलोकियल लैंग्वेज में हिंदी में बात कर रही थी, तो मुझे कुछ लगा ऐसा। लेकिन जब वो काम पे आई और जब मेरे गाने को की,
तो मैं तो साहब एकदम प्रभावित हो गया और यहाँ तक कहा कि भाई बहुत ही, मैं तो उम्मीद ही नहीं किया था कि आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो। क्योंकि ठीक है, नाम हो जाता है तो कई लोग नाम जोड़ देते हैं कि निरहुआ के साथ है इसलिए चल रही है, तो फलाने के साथ है तो इसलिए चल रही है, लेकिन मैं महसूस किया कि भाई किसी के साथ होने से कोई नहीं चल जाता है, उसमें पोटेंशलिटी होती है, उसमें मेरिट होता है, तभी कोई चल पाता है। और ये आम्रपाली दुबे को देखने और उनके डांस और गाने के परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगा कि ये उसकी अपनी कमाई है, किसी की मदद से नहीं हुआ। जी, जब आप जवान होते और ये दोनों भी के सामने होते, किसको चुनते, आम्रपाली या कादर को? देखिए, मैं अगर जवान होता तो बुढ़ापे में तो हल्का फुल्का फिसलता भी होऊंगा शायद, लेकिन जवानी में तो बहुत ही स्ट्रिक था, तो मैं तो दोनों की तरफ ठीक से नज़र नहीं डालता, आप समझे ना, तो इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता है कि दोनों में से किसको चुनता। अच्छा, आपके साथ आदित्य नंदन फिल्म में हीरो है, काजल यादव हीरो में है, उन दोनों केमिस्ट्री कैसा रहा शूटिंग के दौरान? काजल यादव और आदित्य की केमिस्ट्री ज़्यादा कुछ नहीं बन पाई मेरे समझ से, क्योंकि काजल अपने स्क्रिप्ट में बिजी रहती थी और आदित्य जो है सो अपने गेटअप सेटअप, उनके जो कैरेक्टर में जो वेरिएशन था, तो इसमें कौन सा चेन पहना जाए, कौन सी अंगूठी रखी जाए, कान में पहना जाए कि नहीं, इन्हीं बातों में उलझा रहता था, तो इन लोगों को कभी पूरी केमिस्ट्री बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, रही बात रोल में, तो रोल में इन्होंने दोनों 100% दिया। दोनों जब प्यार करते हैं तो किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे, बल्कि लगेगा कि एक दूसरे के प्रति डिवोटेड हैं और बहुत ही एक दूसरे से जुड़े हैं। फिल्म में और कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जैसे बॉलीवुड में आपने एक आर्टिस्ट लिया है जो? हाँ, इसमें अनिल धवन जी हैं विशेष तौर से, जो वांटेड वगैरह कई बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों में और पहले के स्टार रह चुके हैं समझौता वगैरह के ज़माने में, वो भी फिल्म इंस्टीट्यूट से हैं, जैसे मैं मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा लिया, वो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से हैं। तो अनिल धवन जी से मेरी अच्छी मित्रता शुरू से रही है, और इसमें हालांकि लोग जज का रोल था तो जज के तौर पे लोग नहीं सोच सकते थे कि अनिल धवन भी जज बन सकते हैं, लेकिन मैंने रिस्क लिया और लिया तो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने। और एक डिफरेंट जज लगते हैं हमारी फिल्म में, वो जो होता है कि आम तौर से कि खाली ऑर्डर कर लिया बस इतने ही, एक आध लाइन बोल दिया, ऐसी बात नहीं रही, उन्होंने उसमें बाकायदा एक्ट किया है। जैसे कि वो एक फिल्म आई थी ना अक्षय कुमार की थी, उसमें जज बने थे हिंदी पिक्चर में, तो पहली बार देखा कि जज की इन्वॉल्वमेंट, वरना एक स्टैचू की तरह बैठा हुआ व्यक्ति जज हुआ करता था। तो हमारी काजल में भी जो जज है हमारे, वो स्टैचू नहीं है और सिर्फ ऑर्डर के लिए नहीं है, बल्कि उन्होंने बाकायदा अपने एक्सप्रेशन के साथ उनके सारे बहस में वो इन्वॉल्व रहे हैं। ये जून में ही रिलीज हो रही है, पहले से प्रोग्राम तो 21 जून का है, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि 14 को ही आ जाइए तो ज़्यादा अच्छा है, तो अब देखते हैं जैसा दोनों में जो आ जाए। रितु सिंह के ऊपर भी हमारा वो शूटिंग लग गया, कुछ कहेंगे? हमले के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन अब ऐसे दीवाने लोग तो होते ही हैं, और रितु सिंह पे हमला हुआ तो उसे तो खुश होना चाहिए कि वो आज इतनी पॉपुलर हुई कि उसको चाहने वाला कोई ऐसा हुआ, वरना कहाँ होता है। देवानंद के लिए लोग छत से कूद जाती थी लड़कियाँ, तभी तो देवानंद बने, तो रितु सिंह को खुश होना चाहिए। जी, नया फिल्म बना रहे हैं? हाँ, अभी जो है एक हिंदी फिल्म है भोजपुरी में, चूँकि मुझे थोड़ी सी हट के काम करने की आदत है, तो इस एक बार फिर एक टीनेजर लव स्टोरी बनाने की इच्छा है, और ये अभी हमारे निर्माता अभी अभी हमको साइन किए हैं, तो वो फिल्म बनेगी। फोटो अपने भेज दें, उसके टाइटल रखा हूँ बड़ा डिफरेंट कि और अगर जी लेते। हीरो कौन है सर? हीरो एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, जिसको उसके स्टिल्स, हालांकि 3-4 साल से मैं उसको रखे हुए था, लेकिन 3-4 साल से अभी जो प्रोड्यूसर को दिखाया और प्रोड्यूसर ने जिसको उसका काम दिखाया या उसकी तस्वीर दिखाई, सबने तारीफ़ की कि यार ये कहाँ छिपा के रखते हैं आप, ये ब्रज जी कहाँ से लाते हैं, ढूंढ ढूंढ के समझ में नहीं आता है। तो खैर, ये औरों को समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो हमारी अपनी समझ है, हम ढूंढ लेते हैं। हम लोग कोई जांच नहीं है। अच्छा, इस फिल्म में निर्माण कौन कर रहे हैं बताएं?
इसमें हैं धीरज सिन्हा जी। धीरज सिन्हा जी हैं वो एक्चुअली निर्मात्री हैं, इसकी ऑफिशियली निर्मात्री हैं प्रगति धीरज सिन्हा, तो ये कर रही हैं। और मुझे कई ज्योतिष ने कहा था कि आपको कोई महिला निर्माता मिलेंगी जिससे आपका कुछ आगे और एक स्टेप आगे जाएंगे, तो मुझे लगता है कि शायद ये महिला निर्माता यही मिल गई हैं। भगवान करे सर 2000 साल जिए और हर फिल्म में अपनी निर्माता फिल्म मिल जाए। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।